फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने जो सेट डाला था, बेबी सेट, तो उसकी पजामी बनाते हैं। तो पजामी के लिए हमने देखो 40 फंदे ले लिए हैं, और वैसे बॉर्डर बनाते हैं जैसे हमने स्वेटर बनाया था, धनिया बुनती वाला। ये बॉर्डर बन चुका है हमारा 10 सिलाइयों वाला, सेम जैसे हमने स्वेटर बनाया था। अब 4 सिलाइयाँ हम सीधी उल्टी लेंगे, और बाजू में हमने छठी सिलाई में बढ़ाए थे फंदे, और इसमें हम चौथी सिलाई में एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाएंगे जब तक हमारी लंबाई पूरी नहीं हो जाती। आपको जितनी लंबी पजामी चाहिए उस हिसाब से आप चौथी सिलाई में बढ़ाते रहना और उतना लंबा इसको कर लेना। तो देखिए, हमने चार सिलाइयाँ ले ली हैं सीधे उल्टे की इस तरह से। अब बढ़ाएंगे हम इस तरह से, एक यहाँ से बुन लिया, एक इसी फंदे को हम पीछे से बुन लेंगे, एक फंदे को हम दो बार बुन लेंगे। ये हमारा एक फंदा बढ़ गया है। इसी तरह हम इस साइड से भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। हर चौथी सिलाई में हमें एक एक फंदा बढ़ाना जब तक कि लंबाई पूरी नहीं हो जाती। तो हमने ये सीधा उल्टा बुनते हुए हर चौथी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते हुए ये 6 इंच का कर लिया है। ये हमारी लंबाई पूरी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने चौथी सिलाई में बढ़ाया था, अब हम 4 सिलाइयों में हर दूसरी सिलाई में बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से, एक यहाँ बढ़ा लिया, एक इस साइड, हर सीधी सिलाई में हमें 4 फंदे लगातार बढ़ाने हैं, 4 इस साइड, 4 इस साइड। तो देखिए, हमने चार चार फंदे चारों सिलाई में बढ़ा लिए लगातार, 4 इस साइड, 4 इस साइड। तो हमारा ये 7 इंच हो चुका है। अब हम इसका आसन बनाएंगे। तो आसन बनाने के लिए हम क्या कटाई करेंगे, पहले हम यहाँ 3 घटाएंगे, देखिए इस तरह से, ताकि आसन की शेप ठीक आ जाए। ये 3 घटा लिए, और 3 हम इस साइड से घटाएंगे, वही जैसे हमने स्वेटर में 3 2 1 की कटाई की थी, सेम वही कटाई हम यहाँ पे करेंगे ताकि आसन की शेप आ जाए। और ये हमने गोलाई के लिए एक एक करके बढ़ाया था, तो हमने तीनों सिलाइयों में इसकी कटाई करनी है। तो देखिए, हमने ये 3 2 1 की कटाई कर ली है। अब हम बिल्कुल सिंपल सिंपल बुनेंगे, कटाई हमारी हो चुकी है। अब 6 इंच का हम ये आसन पूरा करेंगे। 6 इंच का आसन पूरा करके फिर मैं आपको बताती हूँ। तो इसकी लंबाई हमारी आसन की कंप्लीट हो चुकी है, ये 6 इंच लंबाई हमने कर ली है इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, पट्टी को फोल्ड करने के लिए जाली बनाएंगे। एक फंदा हमने ऐसे ले लिया, और धागा आगे करके ये 2 का 1 पीछे की साइड इस तरह से, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1 पीछे की साइड, फिर धागा आगे, फिर 2 का 1। इसी तरह हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और हमारी जालियाँ जैसे बुन जाएंगी इस तरह से। देखिए, धागा आगे, ये 2 का 1, पूरी सिलाई ऐसे कंप्लीट करनी है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये उल्टी सिलाई उल्टी बुनेंगे। अब 5 सिलाइयाँ हमने ऐसे बुननी है, उल्टी सिलाई उल्टी, सीधी सिलाई सीधी, 5 सिलाइयाँ बुन के अब हम इसको बंद कर देंगे। तो हमने ये देखो जालियाँ डाल के 5 सिलाइयाँ सीधी उल्टी ले ली हैं, और इसको बंद कर दिया है इस तरह से। ये हमारे पजामी का एक साइड बन के तैयार हो गया है। तो इसी तरह हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने दूसरा तैयार कर लिया है इसी तरह का। तो अब हमें इसको सिलना है। सिलेंगे कैसे, पहले इसको उल्टा करेंगे इस तरह से। पहले हम ये नीचे वाली साइड सिलेंगे दोनों की, फिर आसन जोड़ेंगे।
तो देखिए हमने साइडें सिल दी हैं इसकी नीचे वाली। अब हमें आसन सिलना है, तो आसन कैसे लेंगे, ऊपर वाला पोर्शन दोनों ऊपर वाले ले लेंगे। ये मैंने सुई में धागा डाल लिया है, देखो इस तरह से सीधी साइड से सिलेंगे हम इसको। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो इसमें से सुई ऐसे इस तरह से सीधी साइड से सिलने से क्या होता है, इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है, धागे नहीं दिखते। एक बार इसमें से, एक बार इसमें से, इस तरह से हमने ये आसन इसका पूरा सिल लेना है दोनों साइड से। तो देखिए हमने आसन सिल दिया है, तो देखिए हमने सीधी सिलाई सिला सीधी साइड से, तो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, सिलाई बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है दोनों साइड से। तो अब हमने ये जो जालियाँ बनाई थी ये फोल्ड के लिए बनाई थी, इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, देख लो ईजीली फोल्ड हो जाएगा और इस तरह की डिजाइन आ जाएगी इसमें, तो हम इसको सिल देंगे इस तरह से इसको। सॉरी, धागा थोड़ा लूज रखना, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना इसको, और इसको सिल के इसमें इलास्टिक डाल देंगे। देखिए हमने सिल दिए पजामे, बस इसमें अब इलास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक आप पतली जो हम उसमें डालते हैं बिल्कुल आधा इंच वाली, वो इसमें डाल देंगे। तो देखो कितनी इजी है पजामे बनाना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।